Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं इंसान आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? So guys, आज की पहली खबर हम शुरुआत करते हैं जॉली LLB 3 के साथ. आप सभी लोगों को पता है किस तरह से अक्षय कुमार, अर्शद वारसी एंड सुभाष कपूर डायरेक्टेड जॉली LLB 3 जो है इसकी शूटिंग फिलहाल अजमेर में चल रही है. बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर जॉली LLB 3. यहाँ पर एक कंप्लेनेंट है जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है. उन्होंने कहा है कि ये फिल्म जो है वो लॉयर एंड जजेस का जो है मजाक उड़ा रही है. इसके बाद ही हैज ऑल्सो आस्क्ड द कोर्ट टू स्टॉप द शूटिंग ऑफ द फिल्म एंड द हियरिंग ऑफ द मैटर विल टेक प्लेस. एंड उसके बाद पता चलेगा कि वाकई में इसकी शूटिंग जो है वो रोकेगी या नहीं रोकेगी. सो गाइस, अब अगली खबर भी जॉली LLB 3 की है. आप सभी लोगों को पता है किस तरह से जॉली LLB 2 जो है उसके अंदर हुमा कुरैशी जो है वो अक्षय कुमार की हीरोइन थी. So guys, उमा कुरैशी हैज ज्वाइन द सेट्स ऑफ जॉली LLB 2. आपके स्क्रीन पर देख सकते हो कल ही उमा कुरैशी ने जो है अपनी पिक्स जो है वो अपलोड करते हुए लिखा है, पुष्पा पांडे इज बैक एंड लुकिंग प्रिटी इन पिंक जॉली LLB 3 क्लिक बाय वन एंड ओनली अक्षय कुमार. सो गाइज, वापस से द पेयर ऑफ अक्षय कुमार एंड उमा कुरैशी विल सिजल ऑन स्क्रीन इन जॉली LLB 3. देखने लायक ये रहेगा कि क्या अमृता राव जो कि जॉली LLB 1 की हीरोइन थी वो कम बैक करती है अर्शद वारसी के साथ या नहीं करती है. सो गाइज, अब कल की सबसे बड़ी अपडेट थी द सलार KGF एंड NTR 31 फिल्म यूनिवर्स. वेल फ्रेंड्स, कल पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक बहुत ही कैजुअल कॉन्वर्सेशन में बहुत बड़ा यहां पर रेवलेशन कर दिया है. एंड इसके बाद पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर मल्टीपल थियोरीज जो है वो अराइज हो रही है. यहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा है कि प्रशांत नील ने मुझे जितनी भी कहानियां जो है यहां पर बताई है उसमें से शिवम अन्ना का जो किरदार है, यानी कि वो किरदार जो उन्होंने सलार में निभाया था, ही इज वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट. He is an unbelievable crossover with another universe as well. उसके बाद से जितने भी फैंस है, चाहे वो KGF के हो चाहे वो सलार के हो, वो इस तिगड़म में लग गए हैं कि एग्जैक्टली प्रशांत नील अब सलार 2 में क्या करेगा. क्या वो रॉकी भाई को लेकर आएगा? क्योंकि 1970 के बात करूं गाइज, तो गाइज जितनी भी चीजें हैं, जब गाइज सलार का यहां पर पूरे के पूरे जो है वहां पर खानसार उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तो बहुत सारे लोग वही टोपी एंड वही अटायर पहनकर गन्स लेकर घूमते हैं जिन्होंने रॉकी भाई को पार्लियामेंट पर अटैक करने में मदद की थी. तो लेट्स सी गाइज, क्या यहां पर सलार एंड KGF का क्रॉसओवर होता है या नहीं होता. ये नील वर्स जो है बनता जा रहा है, काफी एक्साइटिंग. एंड डेफिनेटली सलार 2 में प्रशांत नील कुछ ना कुछ बड़ा डेफिनेटली करेगा. Who knows, NTR 31 की जो शुरुआत है वही वो सलार 2 के एंड में दिखा दे. अब गाइस, एग्जैक्टली 99 टू 100 डेज टू गो फॉर द रिलीज ऑफ द मैग्नम ओपस ऑफ दिस ईयर. पुष्पा 2 विल बी द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर. एंड गाइस, यहां पर कल मेकर्स ने 2024 रूल पुष्पा का. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस साल की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जो है वो पुष्पा होने वाली है. 100 डेज टू गो का पोस्टर जो है यहां पर मेकर्स ने रिलीज किया है. एक और बड़ी फिल्म कमल हसन की ठग लाइफ, उसमें गाइस सिम्बू जो है उनका यहां पर इंक्लूजन हुआ है. बहुत बड़ी फिल्म है मणि रत्नम कंबाइनिंग विद कमल हसन. ए आर रहमान का संगीत है. आज सिंबू का यानी कि सिलम बरसन TR का जो पोस्टर है वो यहां पर रिलीज किया है. अब गाइस, बात करते हैं यहां पर स्पाई यूनिवर्स की. आप सभी लोगों को पता है कि स्पाई यूनिवर्स की अगली कड़ी जो है वो ऑब्वियसली वॉर 2 है, जिसकी शूटिंग जो है शुरू हो चुकी है यहां पर. लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ जो है यहां पर फीमेल स्पाई यूनिवर्स की ट्रेनिंग के लिए तैयारियां जो है कर ली है. आलिया भट्ट इज गोइंग टू प्ले अ सुपर सोल्जर इन फिल्म. एंड गाइस, अब खबर ये आई है कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो जुलाई के एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक से जो है वो यहां पर शुरू होने वाली है. इस फिल्म की शूटिंग की बात करो तो एग्जैक्टली 4 मंथ का स्टार्ट टू एंड शेड्यूल है शिव रवेल का. इंडियन ओवरसीज जो है इस फिल्म की शूटिंग होने वाली है. बहुत सारे एक्शन डायरेक्टर्स मैंने आपको उस दिन बता दिया है जो कि वॉर 2 में है, वही सिमिलर एक्शन डायरेक्टर्स जो है यहां पर इस फिल्म के लिए जो है यूज होने वाले हैं. आलिया भट्ट विल बी सीन इन द फ्यूचर स्पाई यूनिवर्स फिल्म्स, चाहे वो वॉर 2 हो या पठान 2 हो. तो देखने लायक रहेगा किस तरह से होता है. बात करूंगा इस संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की, इसमें रणबीर कपूर, विकी कौशल एंड आलिया भट्ट है. इस फिल्म की शूटिंग जो है गाइज अगले साल जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगी, यानी कि जनवरी 2025 में. एंड इस फिल्म की शूटिंग जो है जून 2025 तक यहां पर समाप्त होने की संभावना है. द फिल्म विल रिलीज इन दिसंबर 2025. तो लेट्स सी गाइस, ये फिल्म बहुत बड़ी है. विकी कौशल, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट कमिंग विद संजय लीला भंसाली अपने आप में ही इस फिल्म की एक्साइटमेंट जो है और बढ़ा देती है. अब गाइस, बात करते हैं आज की अगली खबर की, तो वो है नन अदर देन द बिग जून रिलीजेस. अब सभी लोगों को पता है शंकर के पास अभी फिलहाल 3 फिल्में हैं. नंबर 1 इंडियन 2,
नंबर टू गेम चेंजर एंड नंबर थ्री इंडियन थ्री। ये डायरेक्टर एक साथ तीन फिल्में जो है मैग्नम ओपस बनाकर रखा हुआ है। बात करूं गाइस इंडियन टू की, तो अब मेकर्स ने यहां पर जून का जो डेट है उसको कैंसिल करके जुलाई का डेट जो है वहां पर ये फिल्म आने वाली है, बट नथिंग ऑफिशियल ओवर हियर। एंड खबरें आ रही है कि अब मेकर्स 17 जुलाई का जो डेट है वो लेने वाले हैं। बट 17 जुलाई कोई फ्राइडे नहीं है, ये मुहर्रम का दिन है। एंड गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि अक्षय कुमार जो है अपनी फिल्म सरफिरा जो है वो यहां पर 12 जुलाई को लेकर आ रहे हैं। 12 जुलाई इज अ फ्राइडे एंड 17 जुलाई इज अ वेडनेसडे, 12th के बाद 19 भी फ्राइडे। तो लेट्स सी गाइस, वेडनेसडे काफी अनकन्वेंशनल डे है फिल्म को रिलीज करने के लिए। एंड 5th में औरों में कहां दम है वो भी रिलीज होने वाली है अजय देवगन की, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। गेम चेंजर माइट टारगेट गांधी जयंती, दिवाली या फिर संक्रांति, इसके रिलीज डेट के बारे में कुछ भी नहीं है गाइस यहां पर अपडेट। एंड इंडियन थ्री जो है वो कहीं ना कहीं समर में जो है उसके बाद जो है रिलीज होने वाली है। तो ये तीन बड़ी फिल्में है गाइस जिनकी रिलीज डेट पर अभी भी गाइस बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जो है लगा हुआ है। अब गाइस बात करते हैं तो कोलैबोरेशन बिटवीन शाहरुख खान और अब्बास मस्तान। अब सभी लोगों को पता है अब्बास मस्तान ने शाहरुख खान के करियर की सबसे क्रेजी फिल्म थी यानी कि बाजीगर, जिसमें उन्होंने नेगेटिव शेड निभाया था वो उनको दी थी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अब्बास मस्तान कोलैबोरेटिंग अगेन विद शाहरुख खान। एंड गाइस डायरेक्टर ने यहां पर ऑफिशियली यहां पर रेडियो नशा में एक इंटरव्यू दिया है, वहां पे कहा है कि शाहरुख खान हमको मिले थे एंड उन्होंने यहां पर अब्बास मस्तान से पूछा है कुछ एक्साइटिंग लाए हो क्या। जब जब हम मिलते हैं वो हमसे यही सवाल पूछते हैं, लेकिन गाइस अभी तक हमने उनके लिए कोई भी फ्रेश चीज जो है वो ढूंढ नहीं पाए हैं। हम ऐसे ही बस नाम के लिए उनके साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहते हैं। जब तक हमें कुछ वर्सेटाइल नहीं मिलता शाहरुख खान के लायक, तो हम उनके साथ फिल्म नहीं बनाएंगे। वी आर वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट। आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी अब्बास मस्तान जो है इसी साल के अंत में सनी देओल के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म जो है वो यहां पर शुरू करने वाले हैं। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। जितनी भी अपडेट्स है अब तक की उस सारी की सारी मैंने आपको बता दिया हूं। जो भी नया अपडेट होगा वो आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। इस्माइल अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।